आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ अभी डाउनलोड करें। हेलो आज का हमारा प्रश्न कोर ए बी सी वाले आयताकार समांतर खाट के चार विकर्णों के बीच कोण है तो हमें यहाँ से चार विकर्णों के बीच कोण निकालना है और समांतर खाट दी गई है तो यदि समांतर खाट की आकृति की चर्चा करें तो हो गई है तो यहाँ से इसके शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं तो यह है बिंदु ए हो जाएगा यह है बिंदु बी हो जाएगा तथा यह है बिंदु सी हो जाएगा यह मूल बिंदु है तो ओ नाम दे दिया इस बिंदु को हम यहाँ से नाम दे देते हैं माना यह बिंदु हो जाएगा हमारे पास यह बिंदु यदि L है और यह बिंदु O है तो O के सापेक्ष P पी मान लेते हैं यह L है तो हम एक बिंदु यहाँ से M मान लेंगे और यह बाकी बचा हुआ एक बिंदु N मान लिया तो हमने यह है इस प्रकार खाट के सारे शीर्षों का नामकरण कर दिया है अब यहाँ से हमें प्रश्न में दिया गया है ए बी सी इसकी खाट के यहाँ से आयताकार खाट के चार कोर है तो यहाँ से ए बी सी यदि इसकी कोर है तो हम क्या लिख सकते हैं ओ बराबर हमारे पास क्या होगी ए तथा ओ बी हम मान लेते हैं बी के बराबर और ओ सी हमारे पास हम मान लेते हैं सी के बराबर तो यदि यह हम यहाँ से ओ के okay, निर्देशांक देखें ओ मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांको जीरो जीरो हो जाएंगे तो ए का निर्देशांक से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए जीरो जीरो यदि बी के निर्देशांक देखेंगे बी के निर्देशांक हो जाएंगे जीरो यहाँ से हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से जीरो जीरो सी तो यदि यह देखें यह एक्स अक्ष होगी और यह वाई अक्ष होगी तथा यह हमारी z अक्ष होगी तो अब यदि हम यहाँ से यह हमने इनके नामकरण कर लिए अब यदि एल बिंदु के निर्देशांक देखेंगे तो एल बिंदु के निर्देशांक से क्या हो जाएंगे क्योंकि इसके निर्देशांक जीरो निर्देशांक जीरो जीरो सी है तो एल बिंदु के निर्देशांक से हमारे पास हो जाएंगे जीरो बी और सी ठीक इसी प्रकार हमने एल के एम के निर्देशांक लिख लेने एम के निर्देशांक से होंगे ए जीरो सी और एन के निर्देशांक से हमारे पास होंगे ए बी जीरो यहाँ से हमने सबके निर्देशांक लिख लिया अनुपात हमारे ओपी से से का निकालेंगे ओपी नहीं हाँ पी हमारे पास यह बिंदु तो ओपी के निर्देशांक हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे और पी बिंदु के निर्देशांक तो हमने लिखे ही नहीं पी का निर्देशांक हमारे पास यहाँ से हो जाएगा पी का निर्देशांक होगा ए बी और सी तो ओपी के दिक अनुपात हमारे पास क्या आ गए P के निर्देशांक x2 टू माइनस अर्थात a माइनस जीरो का मान आएगा a b माइनस जीरो का मान b और c माइनस जीरो का मान c ठीक इसी प्रकार a l के अगर दिक अनुपात निकालें यहाँ से हम दिक अनुपात ही निकाल रहे हैं तो a l का दिक अनुपात यहाँ से हमारे पास क्या आएगा a l का दिक अनुपात आएगा माइनस ए बी और c ठीक इसी प्रकार बाकियों के भी दिक अनुपात निकाल लेते हैं बी एम का अनुपात आएगा यहाँ से ए माइनस सी ठीक इसी प्रकार सी एन का दिक अनुपात यदि हम निकाले सी एन का दिक अनुपात आएगा ए बी और माइनस सी अब हमने दिक अनुपात निकाल ली है दिक अनुपात से हम दिक्कोजिया निकाल सकते हैं तो यहाँ से यदि हम दिक्कोजिया निकालें दिक कोजिया तो हम जानते हैं यदि एल एम एन दिक अनुपात है तो दिक कोजिया क्या होती है एल बट्टे एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर का अंडर रूट ठीक इसी प्रकार एम और एन भी लिखते जाएंगे तो यहाँ से यदि हम लिखे तो ओपी की दिक्कोजिया क्या लिखी जाएगी ओपी की सबसे पहले लिखते हैं तो ओपी की से लिखी जाएगी हमारे पास ए बट्टे का अंडरवुड आएगा बट्टे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक इसी प्रकार दूसरी दिक्को आएगी यहाँ से बी बटे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक इसी प्रकार सी बट्टे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगी यह हमने यहाँ से लिख है ओपी की ठीक इसी प्रकार यदि ए एल की लिखेंगे तो ए एल की दिक्को जो है यहाँ से क्या लिखी जाएगी A, यहां ए एल की दिक्को जो यहाँ से लिखी जाएगी माइनस ए बट्टे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बी बट्टे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सी बट्टे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ठीक इसी प्रकार बी एम और सी एन की भी दिक्को जय हम निकाल सकते हैं तो यहाँ से हम बी एम और सी एन की भी ठीक इसी प्रकार निकाल लेंगे अब यदि हम माने हमारे पास दिख कोजिया यहाँ से हमारे पास दिख कोजिया दि रेखा के लिए और दूसरी रेखा के लिए यदि एल टू एम टू व एन टू यहाँ से दिक्कोजिया है तो यहाँ से यदि यह इन दोनों के बीच में इन दोनों रेखाओं के बीच में यदि थीटा कोण बन रहा है तो कोष थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू होगा तो यदि यही से हम इसी प्रकार यदि मान रखें तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हमने माना ओपी व एल के बीच कौन? माना व के के मध्य मध्य बराबर ओपी व एल के मध्य कोण यदि हम थीटा थीटावन मान लेते हैं तो यहां से हमारे पास कोस थीटावन क्या आ जाएगा थीटा थीटावन बराबर यहाँ से एल वन एल टू आएगा तो यहाँ से यह प्लस का है तथा यह माइनस का है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का A square, बटे, यहां से अंडरूर और अंडरूर गुना होंगे तो सरल करते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से लघुतम आ जाएगा और यह है बचेगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे यहाँ से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यह आगे समीकरण से हमने थीटा वन का, तो का प्लस प्लस समीकरण एक प्रकार यदि हमने यहाँ से बी एम और सी एन के लिए को जय निकाली तो यह आएगा ए बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से माइनस में आ जाएगा और यहाँ से तो यहाँ से यदि हम माने अब हम कौन मान लेते हैं ओपी व ए बी एम के बीच में थीटा टू तो हमने माना माना OP व बी एम के मध्य OP व बी एम के मध्य कौन OP व बी एम के मध्य हमारे पास कौन यदि थी? हम थीटा टू मान लेते हैं तो यहाँ से थीटा टू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा टू यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा टू बराबर तो यहां से बी एम के लिए हमारे पास दिख कु आएगी ए तो आएगा धनात्मक और बी वाली स्थिति में यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा और यह आएगा धनात्मक तो जब गुणा होगा यह आ जाएगा ए इसी पद को इसी पद से गुणा करेंगे इसी प्रकार से तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी b गुणा होंगे यहां से आएगा, आएगा माइनस का बी स्क्स और यहाँ से आएगा प्लस का सी स्क्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यदि यहाँ से थीटा टू का मान निकाले थीटा टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से थीटा टू बराबर कोस इनवर्स यह लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से यह यदि हम यहाँ से एपी थ्री कोण माने ओ, पी वी एन की ओपी व वी एफ, एफ कीजिएगा सी एन ओपी व सी एन के मध्य कोण मध्य कोण बराबर यदि यहाँ से थे थ्री माने तो यहाँ से थे थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा इसी प्रकार हम लिख सकते हैं थेटा थ्री आ जाएगा हमारे पास कोर्स इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे प्लस बी स्क्र ठीक इसी प्रकार हम बाकी विकर्णों की भी चर्चा करें तो बाकी विकर्णों पे भी निकालने पर हमारे पास इसी प्रकार मान आएंगे तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस ए स्क्वायर अब हमारे पास कौन क्या है थीटा बराबर कोस इनवर्स तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसी प्रकार बाकी विकर्णों की भी चर्चा करने पर मान इसी प्रकार आएंगे मान बाकी विकर्णों के लिए भी बाकी विकर्णों के विकर्णों हेतु भी हेतु भी इसी प्रकार आएंगे इसी प्रकार आएंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं हमारे पास थीटा का मान क्या हो जाएगा थीटा बराबर, बराबर स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस सी स्क्वायर आए हैं बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया है तो यदि हम विकल्पों से चर्चा करें तो हमारा विकल्प यहां से ए जो कह बे जो कह रहा है कोर्स इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर बटे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस प्रश्न का सही हल होगा मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया धन्यवाद कक्षा छठी से बारवी से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउनलोड आप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर